दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे नियमित अपडेट्स पाने के लिए प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें बिल्कुल मुफ्त में। जय माता दी। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ विशेष प्रयोग जो आपको जरूर हर पूर्णिमा पर करने चाहिए। पूर्णिमा और अमावस्या का दिन तंत्र प्रयोग और उपाय के लिए बहुत ही विशेष महत्व रखता है। इस दिन देव शक्ति ज्यादा प्रभावशाली होने के कारण आपको जीवन में बहुत अच्छे फल भी मिलते हैं और आप जो उपाय कर रहे हैं उसमें सफलता जरूर मिलती है। इन दिनों आपको गलत कार्यों से बचना भी चाहिए और अपना जीवन सुखमय बनाने के लिए ये विशेष उपाय हर पूर्णिमा पर जरूर करने ही चाहिए। जैसे 10 मई को पूर्णिमा है तो आप ये उपाय रात को और शाम को कर सकते हैं। इनके बहुत ही अच्छे लाभ होते हैं, साथ ही ये जीवन पर आ रहे संकटों को भी टाल देते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को आप शाम को यह उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, आपको तुलसी पर घी का दीपक लगाकर तुलसी की 108 परिक्रमा हर पूर्णिमा को करनी चाहिए। ऐसा करने से आप में एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं, आ रहे संकट टलने लगते हैं और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगती हैं। जैसे अगर आप किसी कार्य के लिए प्रयास कर रहे थे और वह अटका हुआ है काफी लंबे समय से, तो इस उपाय को करने से उसमें बहुत ही लाभ मिलता है। इस उपाय से लंबे समय से अटका हुआ कार्य भी होने लगता है। अपने जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए, जिससे आते हुए संकट और समस्याएं टलती रहें और आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे। इसलिए आपको इन विशेष दिनों पर जरूर ध्यान रखना चाहिए और यह उपाय भी करने चाहिए। दूसरा उपाय है, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में काफी झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, आपस में प्यार नहीं है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती है, तो आप हर पूर्णिमा को चंद्रमा को दूध अर्पित कर सकते हैं। कच्चे दूध में चावल और चीनी मिलाकर आपको चंद्रमा को हर पूर्णिमा पे अर्पित करना चाहिए। आप इस प्रकार अर्घ्य दे सकते हैं और इस मंत्र का जाप करते हुए ओम एंग क्लीम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको चंद्रमा को कच्चे दूध में चावल और चीनी मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होने लगती है और पति पत्नी के आपस में प्यार बढ़ने लगता है, जीवन खुशहाल बनने लगता है। तीसरा उपाय है, अगर आप धन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं तो आपको प्रत्येक पूर्णिमा को लक्ष्मी माता की तस्वीर पर हल्दी से तिलक कर 11 कोड़ियां अर्पित करनी चाहिए और साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर श्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं आप 108 बार और फिर इन 11 कोड़ियों को अगली सुबह आप अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांधकर पोटली बिल्कुल अच्छी तरह से गांठ मारकर अपनी तिजोरी में या व्यापार स्थल में रख सकते हैं। इस उपाय को करने से घर में धन की कोई भी कमी नहीं होती है। प्रत्येक पूर्णिमा को आपको यह उपाय करना चाहिए। ऐसा करने से घर पे आने वाली आर्थिक समस्याएं टल जाती हैं और धन में वृद्धि होने लगती है, धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलने लगते हैं। ऐसा आप प्रत्येक पूर्णिमा को कर सकते हैं। इन कोड़ियों को फिर आप अगली पूर्णिमा पर भी माता लक्ष्मी के सामने रखकर हल्दी से उन कोड़ियों को तिलक करके हर पूर्णिमा पर ऐसा करके फिर से आप तिजोरी में लाल कपड़े में बांधकर रख सकते हैं। ऐसा करने से धन में वृद्धि होने लगती है और धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं और व्यापार में भी वृद्धि होने लगती है। तो दोस्तों, जरूर इस उपाय को किया करें प्रत्येक पूर्णिमा को। चौथा उपाय है, प्रत्येक पूर्णिमा को आपको चंद्रमा तराटक करना चाहिए। ऐसा करने से आप में एक बहुत ही अद्भुत आकर्षण शक्ति होने लगती है, काफी लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रमा को शाम को आपको चंद्रमा तराटक करना चाहिए। चंद्रमा तराटक चांद को लगातार देखने से होता है, बिना पलक झपकाए। अगर आप कोशिश करेंगे कि पलक ना झपके, जितनी देर तक आप देखने की कोशिश करेंगे, 1 घंटे 2 घंटे लगातार चंद्रमा तराटक हर पूर्णिमा को किया करें। ऐसा करने से आपका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक बनता है और आप में एक आकर्षण शक्ति आने लगती है। आप में आकर्षण शक्ति आने की वजह से सभी लोग आपकी बातें मानने लगते हैं और आपको सम्मान भी देने लगते हैं। इस प्रकार पूर्णिमा पर आप ये बहुत ही विशेष प्रयोग कर सकते हैं। चंद्रमा तराटक तो आप हर पूर्णिमा पर अवश्य ही किया करें, इससे आपके जीवन में बहुत ही सुधार होता है, आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है।
तो दोस्तों पूर्णिमा पर यह उपाय अवश्य किया करें और अपने जीवन में आ रही समस्याओं को खत्म करें। अगर आप इन उपायों में से कुछ पूछना चाहते हैं या आपको कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें। हमारा वीडियो आप लाइक और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, जिससे सभी लोग जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।